दोस्तों, रेडिएशन किसी भी चीज को इंसानों के लिए नरक बना सकती है। अगर आप भारी मात्रा में रेडिएशन कंज्यूम करते हो तो आपको कैंसर जैसी हानिकारक बीमारियां हो सकती है और आपकी तड़प तड़प के मौत हो सकती है। भारत में तो आमतौर पर किसी भी जगह पर अत्यधिक रेडिएशन नहीं मौजूद है और ज्यादा से ज्यादा रेडिएशन हम लोगों के आसपास के अप्लायंसेस जैसे मोबाइल फोन और वाईफाई राउटर से ही निकलती है। अब इसे हम लोग अपनी खुशनसीबी कह सकते हैं कि हम लोग वातावरण में चैन से बिना किसी बाधा के रह सकते हैं और हमें 24 घंटे किसी भी तरह के स्पेशल सूट को पहनने की जरूरत नहीं है। पर अफसोस, दुनिया में हर कोई हमारे जितना भाग्यशाली नहीं होता और कुछ लोग ऐसी जगह पर रहते हैं जहां का रेडिएशन लेवल इतना ज्यादा है कि वहां पर लोग लंबी उम्र जीने के लिए भी तरस जाते हैं और वहां की धरती इस तरह बंजर हो चुकी है कि वहां पर कुछ भी उगाया नहीं जा सकता। आज हम लोग आपको रेडिएशन की ऐसी ही भयानक तस्वीर दिखाने वाले हैं और बताने वाले हैं धरती की 10 सबसे रेडियोएक्टिव जगहों के बारे में। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं अनसुनी सच्चाई से भरे आज के इस एपिसोड को। नंबर 10, माइलुसू किर्गिस्तान। किर्गिस्तान का माइलुसू शहर न्यूक्लियर वेस्ट के ऊपर ही बना है और यह सिर्फ कहने की बात नहीं है बल्कि शाब्दिक तौर पर भी यह कड़वी सच्चाई है। माइलुसू में इतना सारा न्यूक्लियर वेस्ट मौजूद है कि इसे विश्व की सबसे रेडियोएक्टिव जगहों में से एक माना जाता है, जहां पर ना तो पानी साफ है और ना ही चलने वाली जमीन और हर एक कोने पर छोटे से छोटे पत्थर में भी काफी ज्यादा रेडिएशन मौजूद है। यहां का माहौल और वातावरण इतना खराब है कि यहां का कोई भी नागरिक 50 वर्ष की आयु आसानी से पार नहीं कर पाता और शायद यहां जन्म लेने वालों का नसीब भी इतना खराब होता है कि उन्हें तड़प तड़प कर मौत नसीब होती है, क्योंकि यहां पर लगभग 60% आबादी सिर्फ और सिर्फ कैंसर की वजह से ही मरती है और रेडिएशन कैंसर का मुख्य कारण होता है। इसके बारे में तो हम सभी लोग जानते ही है। यहां की इतनी दयनीय स्थिति के कारण ज्यादातर लोग जल्द से जल्द इस इलाके को छोड़कर कहीं और जाना चाहते हैं। पर अफसोस, यहाँ की अर्थव्यवस्था भी इतनी मजबूत नहीं है कि वह अपने घर और मकान को छोड़कर आसानी से कहीं दूर जा सके। नंबर 9, सेवर्स्क रशिया। रशिया यूं तो अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है, समझ रहे हो? और इसकी सुंदरता और भव्यता के इतने चर्चे हैं कि किसी ने शायद सेवर्स का नाम भी नहीं सुना होगा। यह एक ऐसा इलाका है जहां पर सन 1950 के दौरान रशियन आर्मी अपने न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट किया करती थी और अपने परमाणु हथियारों को भी वह यहीं पर बनाया करती थी। लेकिन जब उनका काम निकल गया तो सरकार ने इस इलाके की ओर ध्यान ही नहीं दिया और इसको जैसा का तैसा छोड़ दिया। अब रेडिएशन कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो एक या दो में चली जाए और इसी कारण भारी मात्रा में रेडिएशन ने इस इलाके को अपना घर बना लिया और यहां के लोगों को आज तक वो रेडिएशन कष्ट दे रही है। यहां के जमीनी जीवन के अलावा यहां की मशहूर नदी रिवर ओब भी खतरे में कही जाती है और दुख की बात तो यह है कि यह नदी पूरे साइबेरिया में बहती है और इसके अलावा यह सबसे बड़ी साइबेरियन नदी भी है, जिसके कारण यह चिंता का विषय और ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। इतनी मुख्य बातों के बावजूद भी यहां पर स्थितियां नहीं सुधर रही है और इंसानों को अपने दुर्भाग्य के साथ जीना पड़ता है। यह सचमुच शर्म की बात है। नंबर 8, द हैनफोर्ड साइट। दोस्तों, आपको परमाणु बम की क्षमता का अंदाजा तो होगा ही और आप ये बहुत ही अच्छे से जानते होंगे कि एक एटम बम किस हद तक तबाही मचा सकता है। विश्व में जब सबसे पहला एटम बम बनाया गया था तो उसमें कुछ मात्रा में प्लूटोनियम नाम के धातु को भी मिलाया गया था, जिससे माना जाता है कि इस परमाणु बम की क्षमता कई गुना बढ़ गई थी और यह और ज्यादा विध्वंसक बन गया था। तो परमाणु बम को विध्वंसक बनाने वाला यह प्लूटोनियम इसी हैनफोर्ड साइट में पाया जाता था और क्योंकि यहां पर इतना आवश्यक धातु मिलता था, इसीलिए न्यूक्लियर वेपन्स की मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा से ज्यादा यहीं पर करी जाने लगी, क्योंकि इससे ना सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बचता था बल्कि समय का भी सही उपयोग होता था। एक परमाणु बम में कितनी रेडिएशन होती है इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते और ना ही हम आपको अनुमानित आंकड़े बता देंगे, क्योंकि अनुमानित आंकड़ा बिल्कुल अकल्पनीय है। सोचिए, इतने घातक और रेडिएशन से भरपूर चीज की बनावट यहां की जाती थी और उससे भी ज्यादा अचंभा की बात तो यह है कि इस क्षेत्र के आसपास मौजूद
पिट्स में ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से सारे रेडियो एक्टिव कचरे को डाल दिया जाता था, जिसके कारण ये इलाका किसी मौत के कुएं के बराबर हो गया। वॉशिंगटन शहर जहां इतना सुंदर दिखता है, वहीं इसके दूसरे पहलू में जब यह जगह आती है तो अमेरिका के प्रति सबका नजरिया काफी बदल जाता है। इस क्षेत्र में किसी का भी ज्यादा घंटों तक रुकना जानलेवा है और इसीलिए इसने रेडियो एक्टिवनेस के मामले में हमारे सूची में 8वें पायदान पर अपनी जगह बनाई है। नंबर 7, मायक रशिया। रेडिएशन और न्यूक्लियर हथियारों के मामले में रूस का बहुत पुराना और थोड़ा सा खराब रिकॉर्ड रहा है। जहां भी 9th पोजीशन पर ही रूस की एक जगह आई थी, तो वहीं एक जगह को छोड़कर हम लोग वापस से रूस में आ चुके हैं। यह जगह वैसे तो कभी भी सूची में जगह ना बना पाती, लेकिन सन 1957 में एक ऐसा हादसा हुआ जिसके कारण इस पूरे क्षेत्र को जानलेवा बनना पड़ा। सन 1957 के दौरान भी रूस में जोरों शोरों से परमाणु हथियारों को बनाया जा रहा था। अब न्यूक्लियर वेपन्स बन रहे हैं तो न्यूक्लियर वेस्ट तो निकलेगा ही निकलेगा, और उन्हें ठिकाने लगाने के लिए भी काफी सोच समझ कर और सूझबूझ से काम लेना पड़ता है। पर हम तो इंसान है और हमारी तो आदत है गलतियां करना, और ऐसे एक छोटी सी गलती इस दौरान भी हो गई जब न्यूक्लियर वेस्ट से भरा हुआ एक पूरा का पूरा टैंक अचानक से फट गया था। यह हादसा बेहद ही खतरनाक और जानलेवा था और इसका प्रभाव किसी मिनी न्यूक्लियर वेपन की तरह ही था। अब चूंकि उस टैंक के अंदर इतना ज्यादा न्यूक्लियर वेस्ट था, जिसके कारण उसके अंदर की सारी रेडिएशन पूरे वातावरण में फैल गई और उसने आसपास के सारे इलाके को जीवनदायी से जानलेवा बना दिया। हालांकि इतनी दयनीय और गंभीर स्थिति के बावजूद भी आज भी कुछ लोग यहाँ पर अपना छोटा सा घर बनाकर अपनी इच्छा से रहते हैं, जो हर किसी के बस की बात नहीं है। नंबर 6, पुएर्को रिवर। यह नदी चर्च रॉक यूरेनियम मिल के पास स्थित है और इसी एक वाक्य से ही ये बात सिद्ध हो जाती है कि यहाँ पर रेडिएशन की मात्रा तो होगी ही होगी। हालांकि यहाँ पर रेडिएशन उतनी मात्रा में ना मौजूद होती जितनी यहाँ आज उपस्थित है, क्योंकि कहानियों के अनुसार सिर्फ एक बार ऐसा हुआ था कि गलती से यहाँ के कर्मचारियों ने थोड़ा सा यूरेनियम वेस्ट नदी में डाल दिया था, जिसकी वजह से नदी रेडिएशन से लबालब हो गई थी। यहाँ पर रहने वाले नवाजों लोग इस नदी पर मुख्यतः निर्भर रहा करते थे, जिस कारण उन्हें काफी समय तक किसी और के द्वारा की गई इस गलती का हर्जाना भरना पड़ा। हालांकि जैसे ही यह बात सरकार की नजर में आई तो उन्होंने तुरंत इसके ऊपर कार्यवाही शुरू कर दी, और इसके साथ साथ वहां के स्थानीय निवासियों ने भी सरकार की कार्यवाही एवं उनके कामों में संपूर्ण सहयोग दिया और नदी को काफी हद तक साफ भी कर दिया। पर रेडिएशन को पूरी तरह से जड़ से खत्म कर पाना असंभव के बराबर है और इसी वजह से चपेट में आए हुए ज्यादातर नदी में अब कुछ भी नहीं किया जा सकता, और परिणाम स्वरूप अब वो इसी प्रकार रेडिएशन से हमेशा हमेशा के लिए दूषित रहेगी। नंबर 5, सेलाफील्ड, यूनाइटेड किंगडम। साल 1957 तो जैसे न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स के लिए मशहूर था, क्योंकि जहां एक तरफ रूस के मायक में एक भयानक हादसा हुआ था, तो वहीं द ग्रेट ब्रिटेन के सेलाफील्ड में भी न्यूक्लियर पावर हाउस में बहुत बड़ी विध्वंसक आग लग गई थी। यह आग इतना भयानक और खतरनाक थी कि यह पूरे 3 दिन तक लगातार जलती रही, और इतने बड़े अंतराल के बाद ही इसको काबू करा जा सका। इस हादसे में कितने लोग मरे, इस बात की कोई भी पुष्टि नहीं दी जाती है। कुछ सरकारी रिकॉर्ड्स तो कहते हैं कि इस दुखद हादसे में किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई थी, पर इतना बड़ा हादसा हो और किसी की भी मृत्यु ना हो, यह बात कुछ हजम नहीं होती। और इंटरनेट पर हमें अलग अलग आंकड़े इसकी मृत्यु संबंधित बताए जाते हैं। अब यह फैसला हम आप पर छोड़ देते हैं कि आप क्या मानते हैं, यहाँ पर किसी की भी मौत नहीं हुई थी या फिर हुई थी। हालांकि यहाँ पर 3 दिन तक न्यूक्लियर मटेरियल में आग जलती रही, इस बात से आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि आसपास कितनी खतरनाक स्थिति हो गई होगी केवल इस छोटे से हादसे के कारण। सूत्रों के अनुसार वहां पर काम कर रहे कर्मचारियों को भी कोई बहुत अच्छी व्यवस्थाएं नहीं मिली थी, और ऐसा बताया जाता है कि उन्हें सिर्फ 1 महीने तक दूध पीने के लिए मना कर दिया गया था और इसके अलावा कोई भी उपचार नहीं दिया गया था। गजब बेइज्जती है। नंबर 4, सोमालिया।
इस जगह की राजनीतिक स्थिति इतनी खराब है कि यहाँ पर प्रकृति को लेकर तो कोई ध्यान ही नहीं देता, और जब जमीन की प्रकृति को कोई ध्यान नहीं दे रहा तो समुद्र की ओर किसकी निगाहें जाएंगी। और प्रशासन की इसी लापरवाही के कारण सोमालिया विश्व की सबसे गैर कानूनी रेडियो एक्टिव जगहों में से एक है। यहाँ की सरकार यहाँ के वैज्ञानिक गतिविधियों पर जरा सा भी ध्यान नहीं देती, और यहाँ के प्रदूषण संतुलन की बात ही ना की जाए तो बेहतर है। कोई ठोस नियम या कानून ना होने के कारण प्रशासन की कमी के चलते सारा न्यूक्लियर वेस्ट यहीं पर आज भी डंप कर दिया जाता है, और इस मामले पर कोई भी रोक टोक नहीं है, जिसकी वजह से ये घिनौना खेल आज भी खुलेआम चल रहा है। इसी लापरवाही के चलते सोमालिया का जल जीवन काफी कठिनाइयों का सामना कर रहा है, और किसी भी जीव का यहाँ के पानी में रहना तो बिल्कुल असंभव हो गया है, जिसके कारण दिन ब दिन यहाँ का जल जीवन विलुप्त होता जा रहा है। और इतनी गंभीर स्थिति के बावजूद दुनिया में कोई भी इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। नंबर 3, चेर्नोबिल, यूक्रेन। दोस्तों, अभी तक तो जो कुछ भी हुआ वो इंसानों द्वारा किए जा रहे छोटे मोटे घिनौने कामों के कारण हो रहा था, लेकिन चेर्नोबिल में तो हद ही हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर कोई छोटा मोटा न्यूक्लियर वेस्ट का ढेर आग में नहीं झुलसा था, बल्कि यहाँ पर तो पूरा का पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर ही फट गया था। और इसका असर इतना भयानक था कि आधे यूरोप में रेडिएशन की भारी लहर आ गई थी, प्रगति मानो थम सी गई थी, और वहां पर जीवन जीना किसी के लिए भी नामुमकिन सा होता जा रहा था। लेकिन किसी न किसी तरह से सारे देशों की स्थितियां संभाली गई, और आज की तारीख में चेर्नोबिल एक बहुत ही मशहूर टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। लेकिन टूरिस्ट प्लेस बनने के बावजूद भी यहाँ की रेडिएशन कम नहीं हुई है, और आज भी अगर आपको यहाँ के कुछ चुनिंदा जगहों पर जाना है जो उस भयानक इतिहास से संबंधित है, तो आपको पूरी तैयारी के साथ सभी सुरक्षा इंतजामातों को मद्देनजर रखकर ही उस दायरे में घुसना पड़ेगा, अथवा शायद आप अपनी बची कुची जिंदगी को जीने से पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह देंगे। नंबर 2, सेमीपालाटिंस्क टेस्ट साइट, कजाकिस्तान। दोस्तों, सिर्फ 2 एटम बम के गिरने पर पूरी दुनिया में कोहराम मच गया था, और हिरोशिमा और नागासाकी का नाम सबकी जुबान पर रच चुका था। तो जरा सोचिए उस जगह पर क्या हुआ होगा जहां पर 456 न्यूक्लियर बम एक के बाद एक दनादन फटे होंगे। कजाकिस्तान में स्थित सेमीपालाटिंस्क टेस्ट साइट में रूस ने अपने परमाणु बमों को सर्वेक्षण किया, और यहां पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सूत्रों के अनुसार 456 न्यूक्लियर बम फोड़े गए थे, जो किसी भी जगह को नर्क बनाने के लिए पर्याप्त थे। यहां पर रहने वाले बूढ़े बुजुर्ग आज भी बताते हैं कि वो कभी भी मशरूम के शेप वाली उन बड़े बड़े बादलों को नहीं भुला सकते, जिनके कारण वो कई कई दिनों तक सो भी नहीं पाते थे। 456 बमों का नाम सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या आपको भी गूज़बम्प्स आए? नंबर 1, फुकुशिमा, जापान। इस विश्व की सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव जगह है जापान में स्थित फुकुशिमा शहर। साल 2011 में आई सुनामी के चलते फुकुशिमा शहर में मौजूद न्यूक्लियर पावर प्लांट में स्थित रिएक्टर्स पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण उनकी न्यूक्लियर रिएक्टर मेल्ट होने लगी और पूरे शहर में रेडिएशन फैल गई। सोचिए, अगर कोई रेडिएशन से भरा हुआ पानी आपको पिला दे तो फिर आपका क्या होगा? फुकुशिमा में कुछ इसी तरह के हालात बने। सुनामी से आपदा आई और न्यूक्लियर रिएक्टर के मेल्ट होने से गरीबी में आटा गीला हो गया, और स्थिति इतनी खराब हो गई कि कुछ लोगों की तो उस सुनामी के दौरान ही कैंसर के चलते तुरंत ही मौत हो गई। मतलब मामले की गंभीरता को समझिए, सुनामी के दौरान ही एक व्यक्ति को कैंसर पकड़ता है, और जब तक उसे इस बात का अंदाजा होता है कि वह एक कैंसर का मरीज हो गया है, उसके शरीर में मौजूद कैंसर रेडिएशन के चलते इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसकी मौत हो जाती है। यह स्थिति तो शायद कोरोना वायरस से भी हजारों गुना घातक कही जाएगी। जो हादसे सन 1957 में घटे थे उनके अंश भी आज हम लोगों को इस सूची में देखने को मिले हैं। तो जो घटना आज से महज 10 साल पहले ही घटी होगी उसका शिखर पर आना तो लाजमी है। और भयानकता के सारे मुकामों को पार करते हुए फुकुशिमा हमारी आज की लिस्ट में टॉप करता है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया भर में मौजूद इस समय के सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव शहर। इन शहरों के बारे में जानकर आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और क्या आप लोगों में से कोई इन शहरों में घूमने के लिए जाना पसंद करेगा, हाँ या नहीं?
हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपको कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। अगर मिला तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियोस सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।